हेलो गाइस, ये मेरा अभिनव आर्यन के नाम से आया है पर्ची। एक छोटा सा मशीन होता है, उसमें आप बताइएगा अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, वोटर कार्ड मांगेगा, उसमें आप आरएबी जो भी है वो नंबर बताइएगा, तो आपका ये पर्ची निकल जाएगा। और ये निर्वाचन नामावली है जो कि दिया गया है, इसमें सभी लोगों का नाम है। टोटल 1387 टोटल 1387 लोग हैं, जिसमें से कि 700 पुरुष और 687 महिला। अब इस लिस्ट का हम दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए ये पर्ची मिलता है, इसमें से जिसका जिसका नाम होता है बताइएगा, यहाँ पर टिक लग जाएगा, या इसमें से कटिंग करके भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबका नाम इशू है और ये सारा चीज़ आपको मिलता है। जब वोटिंग का टाइम आता है तो एक आते हैं, वो लेकर ही आएंगे कागज़, और आपको इसमें से जो भी नाम होगा खोजना रहता है कि आपका क्या नाम है, उस आधार पे आपको वो बताते हैं। देखिए मेरे पास सारा लिस्ट है अपने मोहल्ले का, पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर, पूर्वी पटेल नगर, रोड नंबर 1 से 10 तक का। इसमें टोटल 1400 अप्रॉक्स 1387 मेंबर्स हैं, सभी को वोटिंग करना है। ये सारा डीएवी स्कूल, बीएससीबी बोर्ड कॉलोनी, वहीं पे पड़ता है। देखिए आपको हम सारा कुछ दिखा रहे हैं, इसमें सबका नाम, हर कैंडिडेट का नाम रहेगा, उनका सारा कुछ रहेगा, बायोडाटा सारा कुछ है। इसके आधार पे आप वोटिंग करेंगे और जो भी है आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरे पास सारा लिस्ट आया हुआ है रोड नंबर 1 से 10 तक का। और देखिए इस तरह से आप अपने मतदान का प्रयोग करें। और कल 1 जून पटना में वोटिंग है, बहुत जगह वोटिंग होने वाला है, आखिरी 7वां चरण है, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। 4 को काउंटिंग है और 4 को शाम तक आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, कौन सा पार्टी बहुमत में आया, कौन किसकी सरकार बनती है, और ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी तक के लिए जय हिंद।